साल के सबसे बड़े दिन, साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लगातार अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब चंद्रमा ने सूर्य को ढकना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। करीब करीब आधे तक पहुंचने वाला है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में वलयाकार होती स्थिति और धीरे धीरे करीब एक घंटे बाद ऐसी स्थिति आएगी कि 99% तक चंद्रमा सूर्य को ढक देगा और वैसी स्थिति में सूर्य एक कंगन के आकार का दिखाई देगा। इसे कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। लगातार इस सूर्य ग्रहण से हम सावधान क्यों रहें, इस पर चर्चा कर रहे हैं ज्योतिषाचार्यों और साथ ही वैज्ञानिकों का एक बड़ा पैनल लगातार हमसे जुड़ रहा है। खगोल शास्त्रियों का एक पैनल हमसे जुड़ रहा है और अलग अलग नजरिए से, धर्म और विज्ञान के नजरिए से हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इस सूर्य ग्रहण के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके से आपको क्या सावधानी बरतनी है अगर धर्म के नजरिए से, और साथ ही विज्ञान इसको किस तरीके से देख रहा है। पांच तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। घाटी से अब से थोड़ी देर पहले देखने की शुरुआत हो गई है, उसके बाद उसके ठीक नीचे देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है मुंबई की तस्वीर। कोरोना काल में मुंबई में भी सूर्य पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। अहमदाबाद की तस्वीर और साथ ही कुरुक्षेत्र की तस्वीर। अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइमिंग है सूर्य ग्रहण के दिखने की, और अगर इन टाइमिंग पर हम नज़र डालते हैं तो नई दिल्ली यानी देश की राजधानी दिल्ली में 10:20 से दोपहर करीब 1:45 तक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। मुंबई में 10:01 से 1:28 तक, अहमदाबाद में 10:04 से 1:31 तक, जयपुर में 10:15 से 1:44 तक, लखनऊ में 10:27 से 1:59 तक। और जैसे जैसे तस्वीरें हम तक पहुँचेंगी, सूर्य ग्रहण की हर एक तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, हर शहर की तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, पल पल का पूरा अपडेट आपके सामने रखेंगे और साथ ही उनसे जुड़ी चर्चा भी हम लगातार आपके सामने करते चलेंगे। अलग अलग शहरों से रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये पांच तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जम्मू की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर, अहमदाबाद की तस्वीर और कुरुक्षेत्र की तस्वीर। तीन तरह के ग्रहण की लगातार चर्चा होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और खंडग्रास सूर्य ग्रहण। और अब तीन तस्वीरें आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ठीक अभी की तस्वीर है, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जब धीरे धीरे अब सूर्य का आकार घटता आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसे विज्ञान के नजरिए से देखिए तो चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सूर्य को ढकते जा रहा है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने दे रहा और इसीलिए सूर्य का आकार घटता जा रहा है। और अब से करीब 50 से 55 मिनट बाद करीब करीब 90 से 95% तक चंद्रमा सूर्य को ढक देगा और एक कंगन के आकार में सूर्य आपको दिखाई देगा। जम्मू की तस्वीर है, करीब 10 बजे के आसपास ये तस्वीर सामने आ गई थी। जम्मू में सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं और मुंबई की तस्वीर भी सामने आ रही है। और एक और बात आप गौर करते होंगे कि अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें सूर्य ग्रहण की हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग रंगों में भी सूर्य दिखाई दे रहा है। तो आसमान का एक अलग, एक अनोखा नजारा। इस नजरिए को विज्ञान कैसे देखता है, धर्म कैसे देखता है, इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। चलिए लगातार हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, जीतू जी का रुख कर लेते हैं। जीतू जी, ब्रेक से पहले जो सवाल पर चर्चा हो रही थी, लोग घर में बैठे हैं, जो उपाय आपने बताए, आप मंत्रों का जिक्र कर रही थी, तो मैं रोहित जी का रुख करूं, उससे पहले जरा आप एक दो मंत्र बता दीजिए कि जो लोग धार्मिक आस्थाएं इस वक्त भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कौन से मंत्र का जाप करें। देखिए, सबसे पहले तो जो ग्रहण को ही हम पकड़ते हैं कि सूर्य ग्रहण, यानी इस समय अगर एनर्जी किसी चीज की लो है तो वो सन की है। रविवार का दिन है, वैसे भी सूर्य का दिन होता है वो, और ऐसे में सेम डे उसका ग्रहण पड़ना यानी एनर्जी को और ज्यादा, उसकी पावर की जो है वो उसको कम कर देना। तो सूर्य के मंत्रों का जाप सबसे सर्वोपरि है। पहले ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप ओम सूर्याय नमः। आदित्य हरिद्र स्तोत्र का अगर आपको पाठ आता है, जवानी यानी बुक को हाथ डेफिनेटली आप इस समय नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने मंदिर के कपाट बंद किए हुए हैं, बहुत सुरक्षित सेफ रखी हुई है, तो उनको तो नहीं छुएंगे। अगर आपको वैसे आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप साउंड के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से भी आप इसको सुन सकते हैं। महामृत्युंजय जाप, और इसके अलावा अपने इष्ट देव को याद करना, ये बहुत जरूरी। ये समय एकाग्र, यानी ये आपने ना किचन में काम करना है, ना जेंट्स हैं वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो भी आराम से बैठे होंगे। हाँ, जो डेफिनेटली एक प्रोफेशन के चलते जो वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन हाउस, वो घर पर ही हैं, तो वो लोग इस एनर्जी को, एक वाइब्रेशंस को क्रिएट कर सकते हैं।
एकाग्र हो सकते हैं, यानी अपने माइंड को रिलैक्स करके कुछ पॉजिटिव थॉट्स लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस समय नेगेटिव सिनेरियो बना होता है पूरा, चाहे वो ग्रहों की सिचुएशन से ले लीजिए, चाहे वो ग्रहण की सिचुएशन से। आपने कहा कि किचन में भी काम नहीं करना चाहिए, घर में कोई काम भी नहीं करना चाहिए। अगर अगर जीतू जी, एक सवाल है, एक जिज्ञासा है मेरी, अगर कोई किचन में जाकर काम करता है, घर का कोई काम करता है, तो इसका नुकसान क्या होगा? देखिए, नुकसान की बात नहीं करिए, एक पॉजिटिव ऑरा नहीं है। जितनी भी किरणें, जितनी भी इस समय हमारी किरणें आती हैं, हमारे किसी भी चीज के ऊपर पड़ती हैं, वो विषैली होती हैं। तो ऐसे में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा, एक सेकंड में तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, एक सेकंड के अंदर तो आपका डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। जब आप मेडिसिन खाते हैं तो तब भी आपको लगता है कि आधा घंटा मिलता है, जब आपको मेडिसिन का इफेक्ट होता है। हाँ, आपकी जितना भी एनर्जी है वो लो होने लगती है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, इनफैक्ट आपकी हेल्थ धीरे 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 प्रॉब्लमेटिक होने लगती है। तो इन सारी चीजों का इफेक्ट जो आपको इमीडिएट तो नहीं मिलेगा, बट आने वाले समय में इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो हमें क्यों ना उन चीजों से बचा जाए जो चीजें डेफिनेटली पता है। ठीक है, मैं भाई राखी जी का रुख कर लेता हूं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राखी जी, जो बातें जीतू जी ने कही, मैं उन बातों को आपसे आगे बढ़ाता हूँ आपके जरिए। खाना नहीं खाना चाहिए, घर में बैठना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, आप बैठकर भगवान का ध्यान करिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, किचन का काम नहीं करना चाहिए। जो बात अब से थोड़ी देर पहले रोहित जी रुक कर रहे थे, जब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है तो क्या इतनी सारी बातें, मान्यताएं ठीक हैं, विश्वास ठीक है, आस्था अपनी जगह ठीक है, क्या वो अंधविश्वास को नहीं बढ़ाती हैं? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जीतू सिंह देश का एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय चेहरा है, तो जीतू सिंह कभी गलत नहीं हो सकती, शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो सही कह रही है। लेकिन यहाँ पर हम ज्योतिष के हिसाब से दो बातें और बोलते हैं, हम भी और जीतू सिंह जी भी आज के हिसाब से बहुत बदल गए हैं। ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप गर्भवती हैं तो आप प्याज ना काटें, लहसुन ना काटें, कुछ खाएं ना, कुछ पिए ना। आपके घर में छोटा बालक है, तुलसी दल डालकर उसे पानी पिला दीजिए। आपके घर में कोई कोरोना का पेशेंट है, प्लीज उसे भोजन दे दीजिए, उसकी मेडिसिन का टाइप है, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हम मानते हैं आत्मा विज्ञान की, जो आत्मा है ना वो ज्योतिषी है। हमने कभी भी ये डराने की बात नहीं करी, मैं आपसे ये कह रही हूँ। बल्कि इस वक्त जो ग्रहण का माहौल है ना, जो एनर्जीज है इस वक्त, आप अपने घर का नलका भी खोलिए, अपने स्टूडियो में भी इस वक्त अगर पानी खोलेंगे ना, तो वो इस वक्त गंगा जल के बराबर है। ठीक है, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि इस वक्त सूर्य देवता हमारे जो पिता हैं वो एक कष्ट में हैं। अगर उस कष्ट के समय पर हम मंत्र जाप करें, ये समय मंत्र के लिए, हवन के लिए, गंगा स्नान के लिए या सुंदरकांड जैसी पावन पुस्तकों को पढ़ने में अगर आप समय लगाएं, ये भक्ति का समय है। हमारे बुजुर्ग पितर बता गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए हैं कि इस टाइम पर जो भी हम करते हैं उसका 1000 करोड़ गुना हमें फल मिलता है। चाहे आप गेहूं का दान करें, चाहे आप चावल का दान करें, तो दान पुण्य कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। ग्रहण का समय पूजा पाठ करने के लिए है। क्या अभी आपको टमाटर प्याज काटने हैं? क्या अभी आपको भोजन बनाना है, जबकि ग्रहण में भोजन करना ही मना है? हमारे जो बुजुर्ग हमें बताकर गए हैं ना, वो कल गलत बताकर गए थे, ना गलत आज बताकर गए हैं, ना मैं, ना जीतू सिंह, ना दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर इस बात के लिए भ्रम फैला रहा है। हम सिर्फ सावधान रहने को कह रहे हैं और आपसे एक गुजारिश कर रहे हैं। देश और दुनिया के अंदर विश्व युद्ध का माहौल बना हुआ है, कोरोना का डर फैला हुआ है। अगर इस वक्त हर इंसान एक माला जाप देश के नाम पर कर ले, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर ले, कौन सो संकट मोच गरीब पे, जो तुमसे नहीं टाल जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट हो हमारो, कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम त्यारो, तुमने राम के कास सवारे, तुम हमारे सवारो और इस देश से कोरोना को निकालो। ठीक है, ठीक है राखी जी, मैं आपके पास आता हूँ, दिलचस्प बातें कर रही है। मैं रोहित जी को यहाँ पर लाना चाहता था आप, ताकि जो बातें आपने कहीं, प्याज टमाटर नहीं काटे, ठीक है, सकारात्मकता चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, आप आध्यात्म की ओर जाते हैं, तो आप खुद से रूबरू होते हैं, तो ऐसे में सकारात्मकता आपसे आपके अंदर ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक जरिया, ये एक व्याख्या हो सकती है। मैं रोहित जी से इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पटना का रुख कर लेता हूँ। रजनीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजनीश, आप पटना साइंस सेंटर पर हैं, साइंस सेंटर पर लोगों की भीड़ भी उमड़ती है, क्या कुछ तैयारियाँ, ज़रा एक बार तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए इस समय पटना साइंस सेंटर पे हैं, सुबह से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। दो टेलीस्कोप यहाँ पर लगाए गए हैं अलग अलग फोकल लेंथ के, आप देख सकते हैं, दोनों दोनों अलग अलग तरह के टेलीस्कोप हैं। आफ्ताब
यहाँ पर एजुकेशन अफसर हैं मोहम्मद आफ्ताब, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये तैयारी और एक्लिप्स में खास क्या है, क्या तैयारी आप लोगों ने की है, क्या दो टेलीस्कोप लगाए और अभी एक्लिप्स की क्या स्थिति है पटना में? देखिए अभी जो एक्लिप्स अभी देख पा रहे हैं, चूंकि पटना से बादल काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं तो लगभग अभी 20 से 22% अभी आप मून जो एरिया कवर कर पा रहा सन का वो आप देख पा रहे होंगे। और एक्लिप्स अभी मैक्सिमम टाइम जो एरिया पे रीच करेगा वो करीबन 12:25 पर आप सबसे ज़्यादा सूर्य ग्रहण को देख पाएंगे पटना से। और मुझे उम्मीद है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग पर भी हम लोग हमारे साथ जुड़ के या बाकी सभी बहुत सारी स्ट्रीमिंग क्या तैयारी आप लोगों ने की? देखिए आप जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हैं हम लोगों ने बहुत विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप का उपयोग किया है। रजनीश एक चीज जरा इससे समझिएगा, जो टेलीस्कोप लगा है इस टेलीस्कोप को क्या कहते हैं, कैसे इस टेलीस्कोप के जरिए हम सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा दर्शकों को समझा पाए तो? बिल्कुल, हमें जरा टेलीस्कोप के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस ये टेलीस्कोप वर्क करता है और क्या हम लोग कैसे इसको देखते हैं, इसमें से कैसे सूर्य ग्रहण देखते हैं। बिल्कुल आफ्ताब हमारे साथ है, आफ्ताब सबसे पहले ये जो टेलीस्कोप के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं, इसे स्मिड कैसीग्रेन टेलीस्कोप कहा जाता है, एक तरीके का कंपाउंड टेलीस्कोप है। विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप समाज में उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें एक जो इसका अपर्चर है वो काफ़ी बड़ा है और ट्यूब भी काफ़ी लंबी होने की वजह से जो हमारा इमेज बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा। यहाँ पर हमने कोई लेंस उपयोग नहीं किया है, हम डायरेक्ट सन का जो रे है उसको एक जगह फोकस करके उसका इमेज प्रोजेक्शन करके वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये हमारा हैंड कंट्रोल है जिसके द्वारा हम इस इमेज को कहीं से भी इसके जो एरिया है उसको हम कहीं से भी फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये जो टेलीस्कोप लगाया गया है खास तरीके से इसको लगाया गया ताकि एक्लिप्स का बेहतर रिफ्लेक्शन हम देख सकें और इसके लिए प्रोजेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, पेपर के जरिए रिफ्लेक्ट किया जाएगा और अभी 20 से 22% के आसपास कवर्ड सन पटना में दिख रहा है एक्लिप्स के। जी ठीक है राजनीश, दिलचस्प बातें हैं, टेलीस्कोप के जरिए कैसे देखते हैं ये भी आपने समझाया दर्शकों को। आप सीधे मैं थोड़ा सा रोहित जी का रुख कर लेता हूं। रोहित जी आपने बातें सुन रही थी, जो आपसे पहले जीतू जी से बातचीत हुई, जो भाई राखी जी से बातचीत हुई, एक मकसद ये है धर्म का कि जो अंदर की नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को दूर रखा जाए। हम धर्म आध्यात्म की बातें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं तो हम खुद से रूबरू होते हैं, हम अंदर की नकारात्मकता को दूर करते हैं। विज्ञान भी तो ये कहता है बाहर मत निकलिए, नंगी आंखों से आप मत देखिए सूर्य ग्रहण को, इससे आपकी रेटिना हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है, आपकी दृष्टि जा सकती है। तो धर्म और विज्ञान का मकसद आपको नहीं लगता है कि एक ही है, तरीका अलग अलग है? बहुत अच्छी बात करी यहाँ पे, बहुत अच्छी बात बोली कि ये सूर्य ग्रहण के टाइम पे आप दान करें और अनदान करें। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी की हेल्प करना या मदद करना किसी भी ग्रहण पे डिपेंड नहीं करता। आपको सबको पता है कि वैसे ही ग्लोबल एक पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, तो मदद करते रहें, ग्रहण का इंतजार ना करें मदद करने के लिए, बिकॉज इन द एंड वी ऑल आर हियर टू हेल्प ईच अदर। तो अब मैं विज्ञान की टर्म्स में अगर इसकी बातें करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि विज्ञान ने कभी भी इक्लिप्स को या ग्रहण को देखने से मना नहीं करा, ग्रहण को सही तरीके से देखने के लिए बोला गया। क्योंकि जब आप ग्रहण को नंग आंखों से देखते हैं तो सूर्य से आने वाली किरणें, जो हमारा रेटिना होता है उसके अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, उसमें दर्द फील नहीं होता। तो अब जो सूर्य से किरणें आ रही हैं उसमें अल्ट्रावायलेट भी है जिसकी वजह से हमारी आंखों की एजिंग जल्दी उम्र हो जाती है, और उसमें इंफ्रारेड भी है जिसकी वजह से हमारा रेटिना बर्न हो जाता है। तो रेटिना में दर्द हो नहीं रहा और आपका रेटिना बर्न भी हो रहा है, तो इसलिए एक्लिप्स को नंग आंखों से ना देखें। एक वेल्डर ग्लास आता है, वेल्डर ग्लास शेड 14, शेड 14 सबसे ज्यादा डार्क शेड होता है, वो नासा ने और हर किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने सेफ रिकमेंड करा है एक्लिप्स को देखने के लिए, उसको पहने और बिल्कुल एक्लिप्स का आनंद लें। नहीं तो रोहित जी पहले आप देखिए, जब धर्मों में वेदों में इस बात की व्याख्या की गई थी तब इस तरीके के जिन ग्लासेस का आप जिक्र कर रहे हैं वो ग्लास नहीं हुआ करते थे, अभी भी सबके पास वो ग्लास अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये व्यवस्था कर दी गई कि आप बाहर मत निकलिए। सीधे इस बात को नकार देना, आप भी ये मान रहे हैं कि अगर कोई निकलता है ग्लास नहीं है और अगर उसकी नज़र सूर्य की ओर चली गई, उत्सुकता होती है मानव के अंदर, तो उसकी रेटिना को नुकसान पहुँच सकता है, तो इसीलिए तो एक व्यवस्था दे दी गई, फिर इसको सीधे से अंधविश्वास कह देना आपको नहीं लगता गलत होगा? नहीं, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि अंधविश्वास कह देना गलत होगा, क्योंकि अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप देख रहे हो, आपके पास व्यवस्था नहीं है तो बिल्कुल मत देखो। आप पहले व्यवस्था ये ग्लासेस की या ये जो सेफ जिसको बोलते हैं सेफ सोलर ऑब्जर्वेशन मेथड्स, मैं आपको एक व्यवस्था अभी बता सकता हूँ यहीं पे बैठे बैठे, आपको कुछ नहीं करना, आपको दो कागज निकाल लें, ठीक है, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, आप दो कागज निकालें, ये आपने दो कागज ले लिए, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, एक कागज पे एक पेन लेके छोटा सा छेद कर दें,
ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक कागज को आप सूर्य की तरफ रखें और दूसरे कागज को उसके नीचे रखें, और जो दूसरा कागज आपने नीचे रखा उस पर आपको सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रहण होता हुआ और सूर्य पूरा बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। निशा घई जी, मैं आपका रुख करता हूं। तमाम बातें हो रही हैं कि विज्ञान के नजरिए से इसे कैसे देखें। एक एक सवाल और आपसे, चूंकि थोड़ा सा वक्त कम है, जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा उस वक्त लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मोक्ष काल में क्या करना चाहिए। देखिए, जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा तो सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जीज जो है वो एक्टिवेट होती है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा अराउंड हो जाती है, जो चंद्रमा जो है वो क्षीण हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण जब समाप्त होता है तो सबसे पहले तो स्नान करना चाहिए। स्नान करने से हमारी जितनी भी एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। हमारे जो धर्म में बात की गई है मंत्रोपचार की, दान की, ये इसीलिए है कि हम जो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करें, सकारात्मकता लाएं। विश्व में इस वक्त सकारात्मकता की जरूरत है, कोरोना के माध्यम से नकारात्मकता आई हुई या युद्ध किसी बनी हुई है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि सबको कलेक्टिव एनर्जीज को एक्टिवेट करना चाहिए जी। सभी को सूर्य ओम सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। एक कलेक्टिव एनर्जीज हमारे वाइब्रेशंस को, हमारे यूनिवर्स को पॉजिटिव करेंगी। नहाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, और क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो इसलिए अन्न का दान, वैसे भी अन्न जो है वो सूर्य का कारक माना जाता है और अन्न जो है वो पेट भी भरता है, तो अन्न का दान सबसे पहले करना चाहिए। और जितने भी हमने अपने संकल्प लिए हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ दान कीजिए, मैं कहती हूँ कि आप संकल्प ले लीजिए कि क्योंकि कोई भी ग्रहण जो है वो एक चेंज की तरफ इंगित करता है। चेंज जो है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सूर्य ग्रहण के बाद जो है वो एक पॉजिटिव चेंजेस होते हैं और ये हिस्ट्री में है कि चेंजेस होते हैं, तो हमें अपनी एनर्जीज को कलेक्टिव करके, मंत्र जाप करके, दान करके। ठीक है निशा जी, निशा जी, अभी वक्त इतना ही है। आप सबका जीतू जी आपका भी और रोहित जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद सिर्फ एक है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान आप खुद पर संयम रखें, अपने अंदर की नकारात्मकता को आप दूर करें, सकारात्मकता की जरूरत है कोरोना काल में भी।